जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे 8वें GD टॉपिक की, जो कि है ओबेसिटी। इसका मतलब होता है मोटापा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हर बार पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं वही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ जो GD के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब लगभग हर बार पूछे जाते हैं। और GD का ये सीन रहता है, टॉपिक रिपीट होते ही होते हैं, लगभग हर टॉपिक रिपीट होता है, कोई भी टॉपिक नया नहीं आता। दो तीन साल में कोई एक दो टॉपिक नया आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो ये ओबेसिटी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका मतलब होता है मोटापा, याद रखना, ओबेसिटी मतलब मोटापा। और जो मैं करवाऊँगा बस इतना कर लो, काफ़ी होगा, काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा होगा, उसमें से आपको कम ही करना है, पूरा करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक का कहना ना पड़े, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक विद इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम समझते हैं मोटापा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ओबेसिटी, कि ओबेसिटी मोटापा है क्या। ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़, ओबेसिटी जो है वो एक जटिल बीमारी है, इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, चर्बी जमा हो जाती है। ओबेसिटी हैज़ बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम, ओबेसिटी एक ग्रेट प्रॉब्लम है, स्पेशली इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़, किन देशों में, यूरोपियन और अमेरिकन देशों में एक यह है ग्रेट प्रॉब्लम है। There are lots of literatures available on the causes, risks and prevention of obesity. यहाँ तक कि यहाँ पर lots of literatures मतलब साहित्य, बहुत ज़्यादा साहित्य उपलब्ध हैं, किसके बारे में, obesity की रोकथाम के, obesity के कारणों के बारे में, और obesity का जो खतरा है उनके बारे में यहाँ पर साहित्य भी लिखे हुए हैं, साहित्य भी विद्यमान है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है यहाँ पर, obesity जो है मोटापा बढ़ रहा है। गौर करना इस बात पर, देयर आर लॉट्स ऑफ लिटरेचर, कि बहुत सारे साहित्य यहाँ पर विद्यमान हैं, उपलब्ध हैं, और ऑन द कॉजेज, किसके ऊपर, कॉजेज ओबेसिटी के कारण, ओबेसिटी के खतरे एंड ओबेसिटी की रोकथाम के ऊपर, फिर भी यहाँ पर जो है ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है। अब कारण क्या है ओबेसिटी बढ़ने का, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी डाइट्स हैबिट्स एंड ईटिंग जंक फूड्स, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट मतलब जो तली हुई चीज़ें वगैरह हैं वो आ जाती है इसमें, हैबिट्स एंड ईटिंग जंक फूड, जंक फूड में आपको पता ही क्या क्या आता है, इन सब के कारण ओबेसिटी इन यूथ इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ पर कोमा आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओबेसिटी इन यूथ इज़ इंक्रीजिंग, जो जवानों में ओबेसिटी है, मोटापा है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यू नो ओबेसिटी इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल विच इज़ रूट कॉज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ एज हार्ट अटैक एंड कोलेप्स ऑफ वेंस, आपको पता है कि ओबेसिटी इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है किसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको पता है कि मेन कारण है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किसका मेन कारण है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का, जो हृदय से जुड़ी बीमारियाँ होती है उसका मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल, एज हार्ट अटैक एंड कोलेप्स ऑफ वेन, नसों का टूट जाना, ठीक है। तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक एंड कोलेप्स ऑफ वेंस, इन सब के कारण ये बीमारियां हो जाती है, क्योंकि ओबेसिटी से बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल से ये बीमारियां हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, ओबेसिटी ही मेन कारण है हार्ट अटैक और हृदय की जो बीमारियाँ हैं उनका। मोर ओवर इट डिसफिगर द अपियरेंस ऑफ ए पर्सन विच ब्रिंग्स इनफीरियरिटी, लो सेल्फ इस्टीम इन एन इंडिविजुअल, इससे अधिक इट डिसफिगर्स द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, यह एक जो व्यक्ति है उसकी आकृति में क्या करता है, विकृति ला देता है, जिसके कारण वह हीनता की भावना, जिसके कारण किसी मनुष्य में हीनता की भावना आ जाती है और उसका जो आत्मसम्मान है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। अब आप खुद ही सोच लो कि अगर आप मोटे हो तो अपने आप आपके अंदर ही क्या आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी, जब आप किसी एक स्मार्ट लड़के को देखेंगे, मतलब जो बॉडी से फिट है उसको देखेंगे, और आपके आत्मसम्मान में अपने आप ही कमी आ जाएगी अगर आप मोटे हैं तो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति जो, कोई व्यक्ति जो मोटा है, मोटापे के कारण उसकी आकृति में क्या आ जाता है, विकृति आ जाती है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो विकृत हो जाती है। सिंपल सी बात है, मोटा होगा आगे पेट वगैरह निकल जाएगा, तो उसकी जो
पूरी जो बॉडी है वो विकृत हो जाएगी और उसके बाद उसमें हीनता की भावना आ जाएगी, वो दूसरों से जलने लगेगा और उसका जो सेल्फ इस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, उत्साह है, वो कम हो जाएगा। अब ओबेसिटी के कारण क्या है? लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है सभी के पास, आपको पता है। नो ओपन स्पेस फॉर आउटडोर गेम्स, और शहरों में मोस्टली आपको पता है घर से निकलते ही रोड, रोड से अंदर आते ही घर आता है, तो वहाँ पर स्पेस भी नहीं है। नो स्पेस ऑफ आउटडोर गेम्स, बाहरी जो गेम है उनके लिए स्पेस नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, डिप्रेशन, मेडिकेशन, दवाइयाँ, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का जो एल्कोहल है उसका कंजम्पशन भारी मात्रा में, आर ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट इन ओबेसिटी। ये सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किस में? ओबेसिटी में। नेक्स्ट है, ड्यू टू ओबेसिटी द प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट पेन, जो जॉइंट पेन होता है, घुटनों का जो दर्द वगैरह होता है, वो ओबेसिटी के कारण है। लेथार्जी, आलस, स्टेमिना फॉर वर्क, वर्क कार्य करने की क्षमता, इनएक्टिवनेस, निष्क्रियता, इंक्रीजिंग इन द यूथ, इन ये क्या हो रहा है, यूथ में इंक्रीज हो रहा है। जॉइंट पेन, लेथार्जी, आलस, स्टेमिना फॉर वर्क, इनएक्टिवनेस, ये सारी की सारी चीज़ें यूथ में पनपती जा रही है किसके कारण? ओबेसिटी के कारण। मोर ओवर इट देर इज लेस अवेयरनेस, इसके बावजूद भी, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी इन द यूथ एज वेल एज ऑटोमनल पर्सन। ऑटोमनल पर्सन होता है अधेड़ उम्र का व्यक्ति। मतलब इन सब के बावजूद भी क्या है, लेस अवेयरनेस, बहुत कम अवेयरनेस है, जागरूकता है किसकी प्रति? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के जो परिणाम हैं उनके बारे में लेस, बहुत कम जागरूक व्यक्ति, जागरूकता है किसमें? यूथ के साथ साथ एज वेल एज अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है वो भी इन सब के बारे में जानना ही नहीं चाहता, रुचि नहीं रखता कि मोटापे के क्या क्या परिणाम होंगे। टू मेजर द ओबेसिटी बीएमआई, बीएमआई बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि आपका जो मेडिकल होता है उसमें जो वेट चेक करते हैं वो भी किसके आधार पर करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपका जो एक पैमाना होता है हाइट और वेट का, कि वेट के अकॉर्डिंग आपकी हाइट, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो होना चाहिए, तो वहाँ पर भी वो लोग बीएमआई का यूज़ करते हैं। बॉडी मास एक इंडेक्स होती है, वो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और आपको ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। टू मेज़र द ओबेसिटी बीएमआई कैन बी यूज्ड, ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए हम बीएमआई का यूज़ करते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। यू नो फॉर एग्जांपल ए बीएमआई बिटवीन 25 एंड 29.9 इक्वल्स विद ओवरवेट। अगर किसी की बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स यदि 25 से 29.9 के बीच है तो उसे हम ओवरवेट की श्रेणी में रखते हैं। एंड 30 एंड अबोव, 30 और उससे ज़्यादा बीएमआई विद ओबेसिटी, अगर किसी की बीएमआई 30 और उससे ज़्यादा है तो वो आ जाती है मोटापे में। एंड मॉर्बिड ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी है जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है वो डिफाइन होती है अगर किसी की बीएमआई 40 और उससे ज़्यादा है, तो वो फिर गंभीर ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, WHO सर्वे, अब ये यहाँ पर हु नहीं है, ये क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे डाटा रिलीज्ड इन 2010, 2010 में WHO ने एक सर्वे किया और उसका डाटा रिलीज़ किया that more than half of the people living in countries in Pacific Islands region are obese, कि more than half, आधे से ज़्यादा लोग कहाँ पर रहने वाले, Pacific Islands region क्षेत्र है उसमें रहने वाले आधे से अधिक लोग मोटापे से ग्रसित हैं, are obese. So I can say that obesity has become a pandemic. So मैं इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो obesity है वो क्या है, एक महामारी है। ठीक है, अब है causes of obesity, कि obesity के कारण क्या क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं obesity के कारणों की। hypothyroidism and underactive thyroid gland that slows metabolism and causes fatigue and weakness, कि obesity के क्या का कारण है। तो एक तो है hypothyroidism एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड होता है ग्रंथी, दैट स्लो मेटाबॉलिज्म, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, उपापचय जो तंत्र होता है उसको स्लो कर देती है। एंड कॉजेज, इसके कारण क्या आता है, थकान और वीकनेस आ जाती है। दूसरा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स विच एड्स, जिसके कारण क्या होता है, एड हो जाता है वेट गेन इन द अपर बॉडी, फेस एंड नेक, जो हमारा मुंह होता है ना, फेस नेक वगैरह, उस पर क्या हो जाता है, जो वेट है वो इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे इंसान मोटा हो जाता है।
नेक्स्ट जो इसका कारण है वो, और ये बीच में चाइल्डहुड ओबेसिटी भी मैंने ऐड किया है, चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज़ ऑल्सो बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम। आपको पता है आजकल बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोटे होने लगे हैं, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो तो है सोशल मीडिया, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, आउटडोर गेम के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो उसके कारण मोटे होते जा रहे हैं। तो मैन आप सोशल मीडिया को भी इसमें लिख सकते हो। चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज़ ऑल्सो बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम। यू नो ओवरवेट चिल्ड्रन ऑफन फेस स्टिग्मा। ओवरवेट जो चिल्ड्रन होगा, मोटा जो बच्चा होगा, वो फेस करेगा, सामना करेगा किसका, कलंक का, एंड सफ़र फ्रॉम इमोशनल, और वो ग्रसित हो जाएगा इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ए चाइल्ड्स एजुकेशन एंड फ्यूचर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो क्या करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा एक बच्चे के एजुकेशन एंड फ्यूचर पर, ठीक है, ये आज तक इतना आप बोल सकते हो। तीसरा है, जो तीसरा कोज है वो है क्रोमोसोमल डिलेशन इज़ ऑल्सो ए कोज ऑफ ओबेसिटी। ये भी एक शरीर की क्रिया है जो मैन ओबेसिटी के लिए जो मैन होती है, क्रोमोसोमल डिलेशन इज़ ऑल्सो ए कोज ऑफ, ये भी क्या है, मेन कारण है ओबेसिटी के लिए। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ेक्ट ऑफ ओबेसिटी। यहाँ तो कारण की बात कर ली, अब इफ़ेक्ट क्या है ओबेसिटी के, कि मान लो कोई व्यक्ति मोटा हो भी गया तो उसकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे मोटापे के। तो द एक्सेसिव फैट, एब्डोमिनल फैटनेस, ठीक है, एक्सेसिव फैट, जो मोटा हो गया व्यक्ति, मान लो उसके शरीर पर चर्बी की मात्रा अत्यधिक आ गई, तो एब्डोमिनल फैटनेस, उसके पेट क्या होगा उसका, वो भी मोटा हो जाएगा। आर द रिस्क ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ इलनेस, बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट क्रिएट्स डायबिटीज़, मधुमेह रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर आपको मैंने बताई थी, हार्ट से रिलेटेड, मतलब हार्ट अटैक वगैरह, और कैंसर की कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी का एक किडनी की एक बीमारी है, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉइंट पेन, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, लोअर फिजिकल फंक्शनिंग परफॉर्मेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पूरा इसमें मैंने करवा दिया है। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, अब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन मैंने इतना करवा दिया तो आपको पूरा रट्ट मारना है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ समझा दी थी कि आपको 30 सेकंड का ही इंट्रो वहाँ पे देना होता है, क्योंकि एक मिनट मिलते हैं जिसमें आपको 30 सेकंड खुद का इंट्रो और 30 सेकंड टॉपिक का इंट्रो। तो अभी देखो मैंने इतना सारा इंट्रो करवाया है, तो अगर आप इसको ढंग से बोलोगे तो ये हो सकता है 2 मिनट में भी चला जाए, 3 मिनट में भी चला जाए। तो आपको इसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो छांटनी है कि 30 सेकंड में आप क्या क्या बोलोगे। तो एक तो ये BMI वाला, ठीक है, ये याद रख लेना कि टू मेज़र द ओबेसिटी BMI का अगर यूज़ कर दोगे, ये लाइन बोल दी, तो अगले को पता भी चल जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है। और ये अगर आप डाटा सारा ना बताना चाहो तो भी चल जाएगा, लेकिन BMI तो कम से कम यूज़ कर ही देना। और एक ओबेसिटी को आप डिफ़ाइन कर देना कि ओबेसिटी क्या है, और ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी डाइट वगैरह, ये सारा आप बोल देना। तो 30 सेकंड का आपको इंट्रो तैयार करना है, उसके बाद कोज और उसके बाद इफ़ेक्ट आप बोल सकते हो। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि ये मतलब ये सारा आपने करवा दिया तो ये बोलना कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है इंट्रोडक्शन, ये तो आपको बोलना होता है खुद के इंट्रोडक्शन में, आप खुद का इंट्रो बोलोगे, उसके बाद जो इंट्रो बोलोगे उसमें आपको बोलना होता है। अब जो मैंने जो आगे करवाए जो कोजेज वगैरह और जो इफ़ेक्ट, या आपको GD में जब आप पार्टिसिपेट करो तो उस टाइम बोलने होते हैं आपको एक एक पॉइंट, जैसे ही आपको टाइम मिले, मतलब आप बोल पाओ उस टाइम, ये चिपका देने होते हैं जो कोजेज हैं और जो इफ़ेक्ट हैं वो, ठीक है। तो ये जितने भी जो इंट्रोडक्शन होता है वो तो आपको इंट्रो में बोलना होता है, और जो कोज, इफ़ेक्ट और जो बाकी के टॉपिक थे उनमें भी होता है, प्रोज और एडवांटेज वगैरह वो होते हैं, प्रोज कौन से, तो वो आपको GD में बोलने होते हैं। ये सारा बस बताना था, और ये आज का 8वां टॉपिक हो गया है, इससे पहले 7 टॉपिक हैं, वो नहीं किए तो कर लेना। और SRT DFT सारे हमारे चैनल पे चल रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।